सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मचारी, सब आंख मूंद कर उस रास्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक इन दिनों अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमा अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। सलीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला वार्ड के प्रवेश द्वार पर दो कुत्ते सोते हुए और घूमते हुए दिखाई दिए। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग एवं कर्मचारी द्वारा इस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। तो वहीं दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गंदगी और कूड़े का ढेर पड़ा है। जिस जगह को सफाई की प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसी जगह इस तरह की लापरवाही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई यही कहेगा कि यहां तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ही मजाक बना दिया गया है। ये हालात अस्पताल के जमीनी अमले की लापरवाही की वजह से सामने आए हैं। सर, जहाँ एक तरफ राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सलीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जहाँ महिला डॉक्टर बैठती है उनके केबिन के सामने कुत्ते घूम रहे हैं, सो रहे हैं, इसको क्या कहें? अब कुत्ते घूम रहे, देखिए कलावारिस कुत्तों के बारे में हम लोग नगर पंचायत को लिखा है, ईओ को 2-3 बार लिखा है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। बाकी हमारे पास स्टाफ की कमी है, एक ही सफाई कर्मी है जिसमें हम पूरे सीसी का चला रहे हैं। यहाँ पे मरीजों की संख्या काफ़ी है, 600-700 मरीज आते हैं तो बहुत गंदगी उसके बाद हो ही जाती है। अभी आप देख रहे हो थोड़ी गंदगी फैली, अभी सफाई होगा। कहीं ना कहीं ये इसको क्या माना जाए क्या? कि ये कुत्ते जो है ये तो लावरिस कुत्ते हैं, तो अब भाई नगर पालिका का ये वो है, इनको पकड़ के जहाँ भी छोड़ना चाहे, हम लोगों ने पहले भी लिखित में दिया हुआ है तो फिर से लिख दिया जाएगा। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है, हमारे पास सफाई कर्मी की सख्त जरूरत है, 4 सफाई कर्मी होने चाहिए और 4 सफाई कर्मियों का पद स्वीकृत है, यहाँ पे वर्तमान में सिर्फ एक है।